नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नवीन। और इस वक्त की ये जो खबर है हम आपको पानीपत के सनोली रोड से दिखा रहे हैं, जहां अभी कुछ देर पहले ही सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग महिला जो घर से मंदिर के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो घर के बाहर एक जो है सांड के द्वारा उसे टक्कर मार दी जाती है, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है और घायल महिला को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जो परिजन है, तमाम परिजनों है, वो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि पूरा मामला था क्या कुछ बताना चाहिए। सर, वो मंदिर की से आ रही थी सुबह के टाइम, तो वो पीछे है जैसे आई तो सांड ने आकर उसको टक्कर मारी, वो दूर जाके पड़ी, उसकी ये हालत है। कहाँ का ये मामला है, क्या महिला क्या नाम है, कितनी उम्र की है महिला? महिला का नाम है शीला और उम्र है 73 साल, एकता विहार कॉलोनी पूजा रोड पर। तो अभी आप हॉस्पिटल में लेके आए हो, किस तरह क्या क्या स्थिति है अभी? कंडीशन ख़राब है बहुत ज़्यादा उसकी, सीरियस है यानी कि सीरियस। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ना बचने के चांस है। नहीं बचने के चांस, नहीं बचने के चांस। तो घर के आगे ही? घर के बाहर ही, बिल्कुल घर के आगे गली में। रोज जाती थी मंदिर सुबह शाम। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। देखिए, महिला जो है हर रोज मंदिर जाती थी और आज घर के बाहर ही जो है उनको टक्कर मारी गई है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला। सर, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? भाई, यही हुआ था जो उन्होंने बताया। भाभी थी जी मेरी, वो सुबह मंदिर जाती थी रोज जी, पूजा पाठ में पूरा ध्यान करती थी। सुबह जैसे मंदिर से आई तो आते ही एक दुकान वाली है सामने, उसने बताया कि उनको टक्कर मार दी। हम भाग के आए, जब भी तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेकर आ गए हैं। सीरियस है ही जी वो, बस घर के बाहर ही टक्कर। घर के बाहर ही जी, बिल्कुल। और सांड सरे आम घूमते ही है उनमें, मतलब जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता उनका, कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी मार देते हैं ये, तो इनका थोड़ा सा ध्यान करा जा रहा है। अब क्या स्थिति है, क्या क्या बता? स्थिति बस सीरियस है और डॉक्टर कह रहे हैं भाई ट्रीटमेंट चलेगा अपना, यहाँ रखने जाओ, यहाँ पर घर ही ले जाएंगे तो यहाँ मजदूर आदमी डॉक्टर का बिल कहाँ से भरेंगे? जो ट्रीटमेंट होगा घर ही कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी होगा, छुट्टी करा रहे हैं। कहाँ टक्कर, कहाँ पे सिर में, कहाँ पे मारी है? टक्कर तो ठाका पटक दी उसको, चोट लगी है सारे में, सिर में भी चोट है, हाथ में भी चोट है, जगह जगह चोट है, दिमाग में भी चोट है। बुजुर्ग महिला है, जब उठा कर पटकी तो उसने तो चोट तो अंदरूनी और भी लगी होंगी कहीं कहीं, ये स्थिति है जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल है जी। बुजुर्ग महिला जो है उनके देवर है ये अनिल है, इन्होंने बताया कि हर रोज पूजा के लिए वो महिला जाती थी, शीला उनका नाम बताया जा रहा है, और आज जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो घर के बाहर ही एक सांड द्वारा जो है उन्हें टक्कर मार दी जाती है, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है और घायल को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति अभी तक महिला की नाजुक बताई जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार शहर में देखे जा रहे हैं, ये काफ़ी हद तक बढ़े हुए मामले हैं, ये रोज़ आए दिन घटना होती है, कभी बाइकों की कभी इंसानों की, मतलब ट्रेजरी हो ही रहती है। तो सरकार इस पर कोई एक्शन ले, ये जानवर काफ़ी घूम रहे हैं, तो इन पे सरकार कोई एक्शन ले, मैं इतना कहना चाहूँगा। आज क्या हुआ था, क्या पता चला था? आज ये मेरी सास है जो यहाँ भर्ती है, हमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे सांड ने टक्कर मार दी, तो हम सीधा हॉस्पिटल आए, तो हॉस्पिटल आने का कारण ये था कि सीरियस है ज़्यादा। लगता है कि विभाग जहां दावे कर रहा है कि शहर में जो बेसहारा जो गोवंश घूम रहे हैं, हमारा जो पशु घूम रहे हैं जो, वो उनके लिए कुछ सरकार एक्शन ले, नहीं तो आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। देखिए, महिला की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है और तमाम जो परिजन है वो हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे हुए हैं, एक महिला भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप भी यहाँ पर? मैं तो पता नहीं, मैं तो अभी आएगी। पहले भी आप बता रहे थे अभी कि पहले आप भी आपको भी बच्चे थे? मैं तो उधर थे, मैंने नहीं पता इसके बारे में, तो दूर रहूँ। इन्हीं के साथ आए हो? हाँ, मेरे ननद है। आप भी बता रहे थे आप भी बच्चे थे पहले? आप भी? मेरे तो यहाँ से चोट मार दी थी मेरे पास, बोलना। देखिए, महिला है, ज़्यादा बोल नहीं पा रही, लेकिन जो तमाम परिजन है वो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि आज जैसे ही महिला सुबह मंदिर गई थी और मंदिर के बाद जो है वो घर लौट रही थी, और घर जैसे ही वो घर के पास पहुंचती है तो बाहर जो है सांड उन्हें जो है टक्कर मार देता है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है और घायल महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। बहरहाल जो स्थिति है महिला की, वो स्थिति नाजुक बताई जा रही है। देखिए, पानीपत के एक मैक्स प्लस हॉस्पिटल है, जिसके बाहर की ये तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। तमाम परिजन जो है यहाँ पर मौजूद हैं और महिला की जो स्थिति है वो बेहाल नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि लगातार
लगातार आपको हम शहर भर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार जो है पानीपत नगर निगम की जो लापरवाही है वो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि ये पहला ही ऐसा मामला नहीं है, पहले भी इससे कई बार ऐसे मामले जो है सामने आ चुके हैं। अभी बात ही करें तो हाल में जो पूर्व विधायक है संभालका के, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सोधापुर की बात करें तो वहाँ की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है उसकी जान ले ली थी आवारा पशुओं ने। और एक अब ये मामला जो है ताज़ा आज फिर आया है, एक तबिहार कॉलोनी का ये मामला है, जहाँ एक बुजुर्ग महिला जो है शीला नाम की ये महिला है, घर से मंदिर के लिए गई थी और जिसके बाद वो घर लौटती है तो वो फिर इन आवारा पशुओं का शिकार हो जाती है, जिसके बाद महिला की स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। जहां लगातार नगर निगम पानीपत की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि शहर में किसी प्रकार से जो बेसहारा जो गोवंश है, आवारा जो पशु है, उनको सड़कों पर नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके भी आप तस्वीरें देखते हैं कि लगातार सड़कों पर बेसहारा गोवंश है, आवारा पशु है, वो लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार हादसों का शिकार बन रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि लगातार हम आपको शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहर की सड़कों पर तमाम जो सड़क है, जो ग्रामीण एरिया है या नेशनल हाईवे की बात करें, तमाम जगहों पर इसी तरह से गोवंश है, आवारा पशु है, वो आपको घूमते नजर आएंगे। लगातार हादसे जो है शहर में आए दिन पेश आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।